Okay, so good afternoon all of you. Please put the heading single. मेरा voice सबको clear आ रहा है एकदम, ठीक है? Single single index model. ठीक है? So single index model क्या बोलता है? आर आई इज इक्वल टू एल्फा आई प्लस बीटा आई आर एम प्लस ई आई. ठीक है? सो यहां पर मेरा आर एम क्या है? आर एम मेरा है रिटर्न ऑन मार्केट. एप्सिलॉन आई ये जो है इज अ रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ आर आई नॉट रिलेटेड टू दी मार्केट. ठीक है? इसके बाद लिखना ई आई इज अनकोरिलेटेड. ई आई इज अनको related with RM and EI is independent of EJ. I not equal to J. मैंने दो अलग अलग सिक्योरिटी का जो एरर होगा उसमें क्या रिलेशन होगा? कुछ भी नहीं होगा. ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई इज इक्वल टू जीरो. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? संग संग कॉपी करते रहना. ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई आई इज इक्वल टू जीरो. कोवेरियंस ई आई EJ is equal to zero. Covariance EI RM is equal to zero. ठीक है? So there are few results which have been derived from the single index model. सबसे पहले expectation of RI लेते हैं. So वो आएगा मेरा expectation of alpha I plus beta I RM प्लस ई आई. सो दिस इज क्या आएगा बताइए? अलग अलग करेंगे तो अल्फा आई प्लस बीटा आई आर एम. ठीक है ना? उसके बाद में VI मतलब वेरियंस इज इक्वल टू बीटा आई का स्क्वायर वेरियंस ऑफ मार्केट प्लस वेरियंस ऑफ ई आई. एक और है, कॉपी करो फिर मैं समझाऊंगा. सी आई जे इज बीटा आई बीटा जे वेरियंस ऑफ मार्केट. और नोट में लिख देना VEI is variance of error term. ठीक है?
अब जैसे तुम्हारा यहां पर दो चीज है, एक है तुम्हारा सिस्टमैटिक रिस्क और एक है तुम्हारा स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है, आप अगर एक पोर्टफोलियो में एंटर करते हो तो भी आप उस रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो ऐसा रिस्क है जो पूरा मार्केट को एज अ होल। ए वंशिका गोयल फोन छोड़ो, जो एज अ मार्केट को एज अ होल इंपैक्ट करता है, बट स्पेसिफिक रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू अ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब एक प्रूविंग हम लोग करेंगे। ठीक है, ये दोनों का ना प्रूविंग नहीं करना है, ये दोनों को एज इट इज हम लोग लर्न कर लेंगे। दैट वेरिएंस ऑफ आई, ये खाली सिंगल इंडेक्स मॉडल में ट्रू है, बीटा आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। अब कोवेरिएंस जो था, जो कोवेरिएंस था, तो कोवेरिएंस को हमने वहां पर क्या किया था, रो इंटू सिग्मा, राइट। सो यहां पर वो जो सिग्मा है ना, दैट इज बीटा। मतलब बेसिकली ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग खाली वो रिस्क को ले रहे हैं जो पोर्टफोलियो में एंटर करने के बाद भी डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता है, दैट इज बीटा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक ऑब्लिक अनडाइवर्सिफाइएबल रिस्क। जो हमारा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो है उसको समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 टू कैपिटल N एक्स आई स्क्वायर प्लस बीटा पी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, शो करने बोला है कि वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चालू करेंगे जहां हम लोग छोड़े थे। हम लोग कहां छोड़े थे, वीपी इज समेशन एक्स आई स्क्वायर वी आई प्लस डबल समेशन एक्स आई एक्स जे सी आई जे। ठीक है, जस्ट अभी मैंने वेरिएंस लिखा है, आप लोगों देखो फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे हम लोग। सो समेशन एक्स आई स्क्वायर बीटा आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट प्लस वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म प्लस डबल समेशन, जस्ट अभी मैंने आप लोग को वो भी लिखाया सीआईजे का। सीआईजे क्या लिखवाया था, बीटा आई बीटा जे वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है, तुम लोग एक चीज समझा, यहां पर एक कंडीशन था आई नॉट इक्वल टू जे, बट अगर आई जे हो जाएगा सो डोंट यू थिंक इट विल बिकम एक्स आई स्क्वायर बीटा आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूं, सब लोग यस लिखेंगे जिसको इसको समझ में आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, यहां पर दिस आई रन फ्रॉम 1 टू N एंड यहां पर है आई रन फ्रॉम 1 टू N जे रन फ्रॉम 1 टू N आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रीराइट करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, समेशन आई रन फ्रॉम 1 टू N एक्स आई स्क्वायर वेरियंस ऑफ एरर टर्म। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो यहां चला गया, देखो डबल समेशन आई रन फ्रॉम 1 टू N
जे रन फ्रॉम वन टू एन। अब ये कंडीशन नहीं लगाया, क्यों कंडीशन नहीं लगाया, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे जब होगा तो एक्स आई एक्साई बीटाई एंड वेरियंस ऑफ मार्केट, तो ये वाला मिक्स हो जाएगा ना इसी में, तो इसीलिए इसको मैंने देखो कैसे लिखा है, एक्स आई एक्स जे बीटा आई बीटा जे वेरियंस ऑफ मार्केट। बोलो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ध्यान देना, सो वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर वेरियंस ऑफ एरर टर्म प्लस समेशन एक्स आई बी आई आई रन फ्रॉम वन टू एन समेशन जे रन फ्रॉम वन टू एन एक्स जे बीटा जे तो एक्स आई बीटा आई भी तुम्हारा पोर्टफोलियो बीटा है एंड एक्स जे बीटा जे भी तुम्हारा पोर्टफोलियो बीटा है। सो अल्टीमेटली हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, आई रन्स फ्रॉम वन टू एन एक्स आई स्क्वायर वी ई आई प्लस बीटा पी का स्क्वायर वेरियंस ऑफ मार्केट बिकॉज बीटा पी इज इक्वल टू समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन एक्स आई बीटा आई। अब अगर मान लेते हैं सारा इक्वल अमाउंट्स में इन्वेस्ट हुआ है, माने एन एसेट्स है, तो सबका वेट क्या हो जाएगा, वन बाय एन। तो अगर सबका वेट हम लोग का वन बाय एन है, एक्स आई मेरा क्या हो जाएगा, वन बाय एन इक्वल वेट्स। सो ये जो पहला टर्म है, ये जो पहला टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक रिस्क, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क। सो खाली पहले स्पेसिफिक रिस्क अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वन बाय एन समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन वन बाय एन वी ई आई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन बाय एन टाइम्स द एवरेज स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विथ ईच इंडिविजुअल सिक्योरिटी वी बार। सो आप क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर, कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जो वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो है वो किसको टेंड करेगा, बीटा पी स्क्वायर वेरियंस ऑफ मार्केट, बिकॉज ये तो जीरो को टेंड करेगा ना, जो स्पेसिफिक रिस्क है वो जीरो को टेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो सिग्मा पी है वो किसको टेंड करेगा, बीटा पी सिग्मा ऑफ मार्केट। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, सिग्मा ऑफ मार्केट बाहर
समेशन एक्स आई बीटा आई, आई रन्स फ्रॉम वन टू एन। ये लोग बोलते हैं जैसे जैसे आप पोर्टफोलियो में एंटर करेंगे, आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रिस्क धीरे धीरे खत्म होते जाएगा एंड जो टोटल पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस है वो सिर्फ आपका स्पेसिफिक हटके खाली सिस्टमैटिक बचेगा। बेसिकली जो ओवरऑल जो मार्केट का जो रिस्क है खाली वो बचेगा, ठीक है, माने स्पेसिफिक रिस्क नहीं रहेगा। लिखना अंडर सिंगल इंडेक्स मॉडल एन वैल्यूज ऑफ अल्फा आईज एन वैल्यूज ऑफ बीटा आईज एन वैल्यूज ऑफ वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स EM, which is the expected return, variance of market. समझा? तो ये मेरा हो गया data requirements. जो पहला chapter था उसमें हम लोग पढ़े थे MVPT, mean variance portfolio theory. So वहां पर क्या था, याद आ रहा है? हम लोग लिखवाया था तुम लोग को? अब यहां पर देखो कितना कम हो गया है। तो वहां पर तुम्हारा था, यहां पर का पहले बात कर लेते हैं, यहां पर हम लोग को चाहिए 3n प्लस 2 डेटा पॉइंट्स, n n n और 2, और वहां पर क्या था, वहां पर तुम्हारा था n इंटू एन प्लस 3 बाई 2, n एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, n वेरियंसेस एंड n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स और कोवेरियंसेस, ठीक है। सो अगर मान लो मेरे पोर्टफोलियो में 200 स्टॉक है तो सिंगल इंडेक्स मॉडल में मेरे को चाहिए 602 डेटा पॉइंट्स, बट वहां पर मेरे को कितना चाहिए, हाफ इंटू 200 इंटू 203, बताओ कितना होता है ये, 20,300। तो सिंगल इंडेक्स मॉडल देख के कितना इजी लग रहा है, बिकॉज बहुत सिंपल है ये, ठीक है। पुष्पिंदर जी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। बेसिकली देखो अगर किसी को भी अपना रिटर्न कैलकुलेट करना है तो वो क्या करेगा, मार्केट पे ही बेस करेगा। बहुत जितने भी सारे एनालिस्ट होते हैं वो लोग इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जीडीपी, बहुत कम लोग ये सब डेटा को यूज करते हैं। आज हिसाब से देखा जाए तो हम बोले तुम लोग पूरा मैथ पढ़ लो, तुम लोग सारा बुकलेट सॉल्व कर लो, सारा एक्सेल कर लो, इंडिया का पेपर सॉल्व कर लो, यूके का पेपर सॉल्व कर लो, तो पास तो हो ही जाएगा। बात यहां पर वो नहीं हो रहा, बात है कि सर टाइम में बताइए क्या करना चाहिए। टाइम मेरे पास एक ही घंटा है दिन में पढ़ने का। ठीक है, थोड़ा बहुत थियोरी है ये सब तुम लोग खुद सेल्फ रीड करेगा, ठीक है। चलो आओ, एक चीज देख लो, वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ अल्फा पी प्लस बीटा पी आर एम प्लस ईपी, एरर टर्म ऑफ द पोर्टफोलियो। सो दिस इज बीटा स्क्वायर पी इंटू वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट प्लस वेरिएंस ऑफ ईपी व्हिच इज द एरर टर्म, ठीक है।
एक और देख लो, ये पार्ट टू का प्रूफ हो गया, ठीक है, ये पार्ट टू का प्रूफ हो गया, ये पोर्टफोलियो का मैंने कराया। एग्जाम में देखना, पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया है कि रिटर्न माने सिंगल सिक्योरिटी वर्ड यूज किया है। तो यही अगर सिक्योरिटी का हम लोग करेंगे, वीआई का अगर हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग का हो जाएगा वेरियंस ऑफ अल्फा आई प्लस बीटा आई आर एम प्लस ई आई, ठीक है। तो अल्फा आई हम लोग का कांस्टेंट है, तो ये हम लोग का बनेगा वेरिएंस ऑफ बीटा आई आर एम प्लस ई आई, ठीक है। उसके बाद में कोवेरिएंस जो है ई आई आर एम का क्या है, जीरो। ई आई आर एम का क्या है, जीरो। तो इस तरीके से दोनों को मैं अलग अलग लिख सकता हूं। तो ये मेरा आएगा वेरिएंस ऑफ बीटा आई आर एम प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, तो ये मेरा आ जाएगा बीटा आई का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट प्लस वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। तीन इक्वेशन लिखवाया था ना, ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ है। उसके बाद एक और इक्वेशन था सी आई जे, सो दिस इज कोवेरिएंस आर आई आर जे, राइट। अब आर आई आर जे पुट कर दो, तो क्या पुट कर देंगे, अल्फा आई प्लस बीटा आई आर एम प्लस ई आई कॉमा अल्फा जे प्लस बीटा जे आर एम प्लस ई जे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल चीज है, क्या क्या बचेगा, दोनों का एरर टर्म भी हट जाएगा, समझा। ई आई का आर एम के साथ भी नहीं है और ई आई का ईजे के साथ भी नहीं बनता, ई आई का किसी के साथ नहीं बनता है। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, लास्ट में फाइनली बता सकता है, बचेगा बस खाली यही बीटा आई आर एम कॉमा बीटा जे आर एम। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, बीटा आई बीटा जे कोवेरियंस आर एम, आर एम मतलब क्या, वेरियंस ऑफ एम। यस बेटा, सब सेम है, एरर टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पुट द हेडिंग, कॉपी हो गया सबका, आगे बढ़े। हाँ, पुट द हेडिंग एसेट प्राइसिंग मॉडल्स, ठीक है। सर वीपी वाली इक्वेशन में एक बार बताना कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क। हाँ ठीक है, ये रहा। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे वीपी वाला इक्वेशन बोल रहे ना, ये रहा। तो ये वाला जो है दिस इज माय, जहां पर ये है मतलब ये मेरा हो जाएगा स्पेसिफिक रिस्क, और ये मेरा हो जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। एसेट को प्राइस कैसे करना है, मेरा बात ध्यान सुनो। हम लोग ये सब सब जो भी कर रहे हैं, हम लोग आरआई निकाल रहे हैं, बट उसके आगे का तो कोई सोचता ही नहीं कि आरआई निकाल के फिर करेंगे क्या। हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि कोई भी एसेट से मेरे को क्या कैश फ्लो आएगा, ठीक है। हम लोग यहां पर इतना जो मगजमारी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो कैश फ्लोज है, जो प्रेडिक्टेड कैश फ्लो, उसको किस रेट पे टान के एसेट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब एसेट का प्राइस करेंगे। सो बेसिकली वी आर बेसिकली सर्चिंग फॉर द रेट जिससे मैं कैश फ्लोज को पुल बैक करूंगा ताकि मेरे एसेट का प्राइस आएगा। इसीलिए टॉपिक का नाम दिया है एसेट प्राइसिंग मॉडल्स। इसमें जो नोबल सबसे बढ़िया जो मॉडल है वो है तुम्हारा सीएपीएम मॉडल, ठीक है ना। इसका नाम है कैपिटल
एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सबसे पहले सीएपीएम में कुछ बेसिक अजम्पशंस है, ठीक है, जो पहले था वो तो ठीक है। यहां पर ये लोग बोलता है कि इफ इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस दे आर ऑल फेस्ड विद द सेम एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ रिस्की एसेट्स। मेरा बात सुनना, यहां पर ये लोग बोलता है कि जितना भी सारा आप एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, मेन यहीं से आएगा एग्जाम में, ठीक है, आने वाला एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक घंटा में हम लोग समाप्त करेंगे पोर्टफोलियो थ्योरी और फिर उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चंस बनाएंगे पोर्टफोलियो थ्योरी का, ठीक है। मोटा मोटी सूता शेष है, जो बताने का था वो हम कल भी बता चुके हैं, आज बस खाली लिखवा के खत्म करेंगे, ठीक है। सुनो, तो इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन। एक बात बताओ, तुम लोग स्टूडेंट लोग हैं तो अगर सोचो सब लोग यही सोचेगा कि हमको प्रवीण सर से ही पढ़ना है तो सब लोग कहां लैंड अप करेगा, मेरा कोचिंग सेंटर में, हां कि ना, पहले ये बताओ। तो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन मतलब सब लोग सेम मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएंगे। क्या लिखा है देखो, इफ इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस then they are all faced with the same efficient frontier of risky assets. Same efficient frontier, मतलब समझ गया ये वाला efficient frontier. तो same efficient frontier क्यों बनेगा? Because सबका जो expectations है return को लेके risk को लेके वो same है। माने ultimately सब लोग land up एक ही market portfolio पे करेंगे। सबका जो portfolio होगा वो maximum diversified होगा। And maximum diversification का मतलब क्या है? Market portfolio. एक और एक्स्ट्रा एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या बोलता है? एडिशन दे आर ऑल सब्जेक्ट टू द सेम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एफिशिएंट फ्रंटियर कोलैप्सेस, बकवास सब, ठीक है, ठीक है कुछ नहीं, ठीक है। सो बेसिकली एक ग्राफ मैं बनाता हूं, ये ग्राफ बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये देखो, सबसे पहले मैंने बोला ये मेरा रिस्की कर्व है, ये मेरा रिस्की एसेट्स का कर्व है। अब रिस्की एसेट्स में अगर मैं रिस्क फ्री एसेट को एडअप करूंगा तो वो मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट? फर्स्ट टाइम आई गॉट इट करेक्ट, मैंने फर्स्ट टाइम में एकदम पूरा टच हुआ, एकदम पूरा। ये जो टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है, दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो। अब ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो मैं 100 रुपया मेरे पास में, अगर मैं पूरा का पूरा मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाता हूं तो ये वाला पॉइंट होगा, अगर मैं पूरा रिस्क फ्री एसेट में लगाता हूं तो ये वाला पॉइंट होगा, बिकॉज मैं यहां पर सिग्मा को कर रहा हूं और यहां पर मैं माप रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न को। समवेयर दिस पॉइंट मींस कि मैंने सम परसेंटेज रिस्क फ्री में लगाया है एंड सम परसेंटेज मैंने मार्केट पोर्टफोलियो विच इज रिस्की में लगाया है। सम पॉइंट हियर मींस अगर मान लो मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 100 रुपया और बोरो कर लिया। सम पॉइंट हियर मींस मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 200 और बोरो कर लिया एंड टोटल में 300 रुपया मैंने मार्केट पोर्टफोलियो में लगा दिया, ठीक है ना, बिकॉज मेरे को लेवरेज चाहिए था। मेरे को क्या चाहिए था? लेवरेज चाहिए था, ठीक है ना। आज आप देखोगे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सब लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको समझाऊं, लोन चल रहा है घर का, लोन चल रहा है गाड़ी का, लोन चल रहा है एडुकेशन का, लेकिन फिर भी जब सैलरी आता तो पैसा कहां लगता है? स्टॉक मार्केट में लगता है। सो ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है कि आपका एक तरफ बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि आपने लोन लेके पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, राइट? सो बेसिकली सम पॉइंट हियर मींस कि आपने पैसा लोन में ले करके आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न का उम्मीद है। अब इसमें जैसे क्या होगा, तुम्हारा खुद का कितना रुपया, 100 रुपया, बट तुम लगाया कितना, 200 रुपया। अगर तुम्हारा पैसा अच्छा रिटर्न कमाएगा तो डबल रेट से कमाएगा, लेकिन यही अगर पैसा वाइप ऑफ होगा तो भी बहुत जल्दी जल्दी वाइप ऑफ होगा, जैसे बैंक का केस में होता है, ठीक है। आज बैंक का मान लो खुद का लगा हुआ 500 करोड़ रुपया, तो हो सकता है बैंक लेवरेज ले ले 1500 करोड़ तक का, ठीक है। हाँ बोलो जय सर। जो टेंजेंट पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है? ब्लैक वाला पॉइंट जो है, जहां पर ये टच करेगा वही मेरा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा, दिस इज द मार्केट पोर्टफोलियो।
और यही सीएपीएम बोलता है कि सारे के सारे इन्वेस्टर्स का होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होने की वजह से सब लोग इसी पॉइंट पे लाई करेंगे। सीएपीएम एमबीपीटी का सारा झमेला को करता है खत्म। जैसे कि एमबीपीटी में हमने बनाया लैग्रेंजियन, लैग्रेंजियन ने इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन बनाया किस चीज के लिए, वेट्स निकालने के लिए। वेट्स क्या निकाला, एक्स ए एक्स बी एंड सो ऑन। यहां पर बोलता है वेट्स मत निकालिए, वेट्स निकालने का कोई दरकार नहीं है क्योंकि सब लोग इसमें पैसा लगाएंगे, मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएंगे। अब मार्केट में अगर 5% रिलायंस है तो मेरा पोर्टफोलियो में भी 5% रिलायंस होगा। मार्केट में 2% अगर एयरटेल है तो मेरा पोर्टफोलियो में भी 2% एयरटेल होगा। तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स का होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए सब लोग सेम पोर्टफोलियो मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन मार्केट पोर्टफोलियो में ही पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। एंड ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है ये उसी को डिनोट करता है, ठीक है ना, मार्केट पोर्टफोलियो को ये डिनोट करता है। ओके या सो कल मैंने ये स्टार्ट किया था ये टॉपिक कि भाई अगर मैं रिस्क फ्री एसेट को ऐड कर दूंगा मेरे को 2 पॉइंट मिल जाएगा एंड मैं वहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। सो व्हेन्स वी ऐड रिस्क फ्री एसेट इन अवर पोर्टफोलियो देन द एफिशिएंट फ्रंटियर बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी विल डू द प्रूविंग ऑफ दैट, ठीक है ना। ओके चलो, सो सबसे पहले कॉपी हो गया, ठीक है ना। ईपी फटाफट करना बहुत ईजी है, एक्स ए प्लस एक्स बी ई बी इज इक्वल टू एक्स ई ए प्लस 1 माइनस एक्स ए ई बी। सो जो एक्स ए है वो क्या है, ई पी माइनस ई बी बाय ई ए माइनस ई बी, ठीक है। वीपी क्या था, वीपी क्या था, एक्स ए स्क्वायर वी ए प्लस एक्स बी स्क्वायर वी बी प्लस 2 एक्स ए एक्स बी सी ए बी, ठीक है। अब यहां पर ए क्या है सुन लेना, ए है तुम्हारा रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो और बी जो है तुम्हारा आरएफ, आरएफ मतलब रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट है। तो अगर रिस्क फ्री एसेट है तो वीबी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, एंड दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होगा, करेक्ट। सो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, वीपी इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मैं एक्स ए का वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा ईपी माइनस ईबी बाय ईए माइनस ईबी का होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ए। क्लियर है सबको, हाँ। अब रूट ले लेंगे, अब रूट ले लेंगे, रूट ले लेंगे, रूट ले लेंगे, चलो रूट लो। तो सिग्मा पी इज इक्वल टू ईपी माइनस ईबी बाय ईए माइनस ईबी, ठीक है, दिस होल थिंग इनटू सिग्मा ए, ठीक है। अब इसको ओपन अप करिए, ओपन अप करने का मतलब हो गया सिग्मा ए ईपी बाय ईए माइनस ईबी माइनस सिग्मा ए ईबी बाय ईए माइनस ई बी, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, सेम चीज मैंने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ किया, सिग्मा पी मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या, ये मिल रहा है तुमको, ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एक्स इज इक्वल टू समथिंग इंटू वाई प्लस सी, तो अगेन लीनियर बन गया, ठीक है। देयरफॉर इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, कल जैसा किए सेम आज वैसा ही मैंने करके दिखा दिया। कहो तो आगे बढ़ूं, यस और नो, फटाफट से बताओ।
वेदिका जी एक मिनट, हाँ आप बोलिए। स्क्रोल अप, यस, और ऊपर ग्राफ हो गया डन। ठीक है, अब एक थ्योरम है जिसका नाम है सेपरेशन थ्योरम। सेपरेशन थ्योरम, ठीक है, देखो सेपरेशन थ्योरम मैं आप लोगों को बोल चुका हूं बट मैं दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस है तो सब लोग का पैसा कहां लगेगा, मार्केट पोर्टफोलियो में लगेगा। ठीक है, एंड जो हम लोग का रिस्क का जो लेवल होगा, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, तो रिस्क का कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बेसिकली एडजस्ट करेंगे अवर एलोकेशन टू रिस्क फ्री एसेट एंड द मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग 10 लाख रुपीज, मैं एकदम फट्टू हूं तो मैं पूरा का पूरा पैसा बॉन्ड में लगाऊंगा, हो सकता है 50,000 रुपए निफ्टी में लगा दूं। मेरा थोड़ा जिगरा है, मैं क्या करूंगा 50-50 एलोकेट करूंगा, मैं एकदम बहुत जोर का मेरा है कि भाई हम जुआ फटका करें तो हो सकता है हम पूरा का पूरा पैसा लगा दें और लोन पे भी लेके लगा दें। दिस इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग माय लेवल्स ऑफ रिस्क एपेटाइट। ठीक है, अब और एक चीज समझना, सेपरेशन थ्योरम क्या है। ये लोग बोलते हैं एमवीपीटी जैसा झमेला मत पालिए, वेट्स मत निकालिए, एक्स ए एक्स बी एक्स सी ये सब कुछ नहीं निकालना है, ये सब कुछ भी नहीं निकालना है अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है सुनो, अपने को ये सब से मतलब ही नहीं है, अपने को पूरा का पूरा पैसा ले जाके मार्केट पोर्टफोलियो में ही लगाना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर मान लो 2% रिलायंस है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2% है, तो मेरा पोर्टफोलियो में भी 2% रहेगा। तो अब मेरे को इंडिविजुअल वेट्स निकालना है क्या, लैग्रेंजियन का फंक्शन बनाना है क्या, नहीं बनाना है। ठीक है, सो अब मेरे को वो सब चीज नहीं करना, दिस इज ओनली द सेपरेशन थ्योरम। ठीक है, मतलब अब मेरे को इंडिविजुअल वेट से तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को नहीं मतलब है कि एक्स 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 क्या होगा, मेरा वेरियंस कैसे मिनिमाइज होगा, सब कुछ उससे कुछ मतलब नहीं है, मेरे को पैसा मार्केट पोर्टफोलियो में ही लगाना है। ठीक है, एक बार देख लेना सीएपीएम मॉडल का जो मेन जो फॉर्मूला है, ये लोग क्या बोलते हैं, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। मैट में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, पहले तुम लोग ये देखो। ठीक है, आरई अगर निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकालना है, आरई अगर निकालना है तो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। नाउ मेरा बात ध्यान सुनना, मैंने बोला कि सीएपीएम में सब लोग पैसा किसमें लगाएंगे, मार्केट पोर्टफोलियो में लगाएंगे। नाउ यू आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यू आर टेकिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, तो क्या स्पेसिफिक रिस्क प्रिवेल करेगा। रिलायंस में एक मैनेजर खराब है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो में जहां पर 50 स्टॉक है वहां पर वो चीज उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक रिस्क गेट्स डाइवर्सिफाइड अवे वंस वी एंटर इनटू अ पोर्टफोलियो, व्हाट रिमेन्स इज द सिस्टमैटिक रिस्क व्हिच इज बीटा। सो बीटा इज अ सिस्टमैटिक रिस्क, इट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट, इट इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट। बीटा इक्वल टू 1 मतलब मार्केट के जैसा मूव करेगा, बीटा लेस देन 1 मतलब डिफेंसिव, बीटा ग्रेटर देन 1 मतलब एग्रेसिव। फिर व्हाट डज आर, एक से नुको मैं बता रहा हूं। सो बीटा लेस देन 1 मतलब डिफेंसिव, जैसे कि अगर मान लो बीटा है 0.7, मार्केट अगर 5% से नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉक सिर्फ 3.5% से नीचे जाएगा, दिस इज बीटा बीइंग डिफेंसिव। ठीक है, एक और होता है तुम्हारा बीटा 1.2, मतलब मार्केट अगर 10% से ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉक 12% से ऊपर जाएगा। ठीक है, बीटा वन मतलब मार्केट। ठीक है, मार्केट 5% से तो स्टॉक भी 5% से। ठीक है, तो ये बीटा हो गया, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक टू द मार्केट, मतलब मार्केट में अगर 1% का चेंज आएगा तो मेरा स्टॉक में कितना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा अब रुक जाओ, कुछ लिखो मत। ठीक है, उसके बाद में आरएफ है, अगर मान लो बीटा जीरो है, अगर मान लो बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क, बीटा इज द मेजर ऑफ रिस्क, बीटा अगर जीरो है तो क्या मिलेगा मेरे को, रिस्क फ्री रिटर्न विच इज आरएफ। तो फॉर्मूला में वो चीज है, आरएम माइनस आरएफ मतलब मैं अगर मार्केट में पैसा लगाता हूं, आई एम टेकिंग बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब मैं 1 यूनिट ऑफ रिस्क ले रहा हूं, तो अगर 1 यूनिट ऑफ रिस्क ले रहा हूं, मार्केट में पैसा लगा रहा हूं, तो मेरे को एक्स्ट्रा जो प्रीमियम चाहिए, जिसको बोलते हैं एमआरपी, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये जो है
ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, एमआरपी, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में पैसा लगाने से जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, मार्केट में अगर पैसा लगाएंगे तो बीटा वन है, मार्केट में पैसा लगाएंगे बीटा वन है, तो तुम क्या एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, आरएम माइनस आरएफ, दिस इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। बट तुम मार्केट में नहीं, तुम और कुछ तूफानी करेगा, मतलब तुम बीटा को लेगा 1.1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, कुछ भी ले, तो तुम जितना ज्यादा, तो अगर बीटा को भी इसमें ले लेगा तो ये बन जाएगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम। माने तुम रिस्क फ्री में पैसा नहीं लगाया, तुम रिस्क फ्री में पैसा, तुम इक्विटी में पैसा लगाया तो एक्स्ट्रा जो मिला दैट इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम। मतलब बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम बनेगा, बीटा को रहने देंगे तो तुम्हारा मार्केट रिस्क प्रीमियम बनेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। सर इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या है, क्या बता दूं वापस? हाँ, बीटा को मल्टीप्लाई करके लेंगे तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम आएगा। सर वो होता क्या है, इक्विटी में लगाया पैसा तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न तुमको मिल रहा है ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, दैट इज द इक्विटी रिस्क प्रीमियम। जैसे मान लो तुम्हारा आरएफ है 4%, बीटा है 1.2, आरएम है 10%, तो तुम्हारा आरई क्या बन जाएगा, 4% प्लस 10-4 इंटू 1.2, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है यू आर गेटिंग ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, सो दिस इज योर इक्विटी रिस्क प्रीमियम एंड 10-4, 6% इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। RE is return on equity. Return on equity. Beta is a measure of risk. इसको हम लोग systematic risk भी बोलते हैं। After diversification, what is left is beta. It is the sensitivity of the stock to the market. ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट इज योर CML, इसका नाम है कैपिटल मार्केट लाइन, ठीक है। EP-R इज EM-, हाँ पुण्य बोलो। तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बोलो। तो जो रिस्की पोर्टफोलियो ग्राफ होता है इसमें ANB जो था हमारा सिर्फ रिस्की वाला, उसमें भी वी कैन बोरो मनी या फिर फिक्स अमाउंट होते हैं हमारे पास? नहीं, तुम बोरो तो तुम अपना इच्छा से कितना रुपए कभी भी करो, उससे ग्राफ का क्या लेने देना है। अगर तुम खाली रिस्की एसेट्स में पैसा लगाओगे तो तुम्हारा ग्राफ एक कर्व बनेगा। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री एसेट का भी कंपोनेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट जो डिफरेंस होते बीच में जब हम दोनों ग्राफ्स बनाते हैं साथ में, डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बट जो डिफरेंस कैसे है, हाँ क्या डिफरेंस है? आफ्टर द मार्केट पोर्टफोलियो पॉइंट द डिफरेंस जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? क्योंकि तुम अगर मान लो तुम अगर यहाँ पर, ये तो तुम्हारा डिफरेंट प्रपोर्शन हो गया ना कि तुम कितना रुपया बोरो कर रहे हो और तुम मार्केट में कितना रुपया लगा रहे हो, तो ये तो उस हिसाब से बनाया गया है। अच्छा, इसमें अमाउंट ऑफ मनी सेम नहीं दोनों के लिए एक पॉइंट पे? अमाउंट ऑफ मनी सेम नहीं है फॉर द नहीं सेम नहीं है सेम नहीं है। आज एक बात बताओ, जब तुम रिस्क फ्री एसेट को मिक्स करोगे तो तुम्हारा सिग्मा तो उसके हिसाब से चेंज होगा ना, ठीक है।
एक्चुअल में अगर तुम थोड़ा और क्लियर देखोगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ इसको। हाँ ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? यस यस जी, दिया हुआ है पेज 6 ऑफ चैप्टर नंबर 8। नाउ कैपिटल मार्केट लाइन सो ईपी माइनस आर इज ईएम माइनस आर सिग्मा पी बाय सिग्मा एम, ठीक है? So, ये जो CML जो बनता है ना, अब जैसे इसमें देखो एक चीज है, ई एम माइनस आर बाय सिग्मा एम, सो दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क मतलब क्या है, समझा? मतलब अगर हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, मतलब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, आर प्लस ई एम माइनस आर बाय सिग्मा एम इंटू सिग्मा पी। मतलब मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क मतलब ये हो गया तुम्हारा शार्प रेशियो, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। माने इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेस रिटर्न इसलिए ई एम माइनस आर पर यूनिट ऑफ रिस्क, क्योंकि डिवाइड हो रहा सिग्मा एम से। अब तुम एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क इनटू कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिस्क इन योर पोर्टफोलियो विच इज सिग्मा पी, सो यू विल गेट एक्सेस रिटर्न फॉर टेकिंग दोज मेनी एडिशनल यूनिट्स ऑफ रिस्क इन योर पोर्टफोलियो, और फिर तुम उसमें ऐड कर रहे रिस्क फ्री रेट। पहले तुम कैलकुलेट किया एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितना यूनिट्स ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई, सो दैट इज द एक्सेस रिटर्न फॉर योर पोर्टफोलियो प्लस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच इज आर। व्हेन बीटा इज वन आपको मार्केट रिटर्न मिलेगा, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न मिलेगा, ठीक है? और इसी को हम लोग शार्प रेशियो भी बोलते हैं। कल कोई पूछा था, जब दो पोर्टफोलियो था ना, तो सर उस दोनों के बीच में जीतेगा कौन? उस दोनों के बीच में जिताने का बहुत सारा वेज होता है। वन ऑफ द वेज इज शार्प रेशियो, कि आप देख लो कौन से में एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ज्यादा आ रहा है, तो जिसमें शार्प रेशियो मैक्सिमम होगा वो वाला पोर्टफोलियो जीतेगा, ठीक है? हाँ हर्ष बोलो। सर जब हम ये वाला लेट रहे हैं शार्प रेशियो का, तो टाइम यू आर एक्सप्लेनिंग, आप कह रहे हो कि हम एक पर्टिकुलर मार्केट रिस्क पे कितना, मतलब एक पर यूनिट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं रिस्क पे, या फिर हम क्योंकि जैसे कि हमने नहीं, मैं आपको दोबारा एक सेकंड मैं क्लीन कर दे रहा हूं इसको। एक्सेस रिटर्न इज ईएम माइनस आर, माने कितना एक्सेस रिटर्न आ रहा है हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए, इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं सिग्मा एम से, ठीक है ना? फिर ये जो मेरा आ रहा है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रिस्क इन माय पोर्टफोलियो विच इज सिग्मा पी, ठीक है? That is the total excess return plus RF. ठीक है, तो इसी में मेरा क्वेश्चन था कि जब हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं रिस्क, मार्केट रिस्क का, तो हम उसको रिस्क डिटरमिन कर रहे हैं कि हमारा कितना नेगेटिव जा सकता है, क्योंकि जब हमने मेजरमेंट ऑफ रिस्क में पढ़ा था कि वो ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि इतने रिटर्न पे हमारा इतना रिस्क है कि अप और डाउन दोनों मूवमेंट हो सकती है for the standard deviation of variance, so for the market denominator का। किसके लिए बोल रहे हो? सिग्मा एम के लिए? हाँ जी, जो denominator वाला। नहीं नहीं, सिग्मा यहाँ पर denote करेगा volatility कि जो current index level है, जैसे मान ले तेरा सिग्मा एम है 10% का, तो इसका मतलब है निफ्टी अगर 20,000 पे है तो ये प्लस माइनस 2,000 कर सकता है, और ये भी देखना पड़ेगा ये कितना पीरियड का है। इफ दिस इज पर मंथ, तो मतलब ऑन एवरेज निफ्टी एक महीना में 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे करता है।
ठीक ठीक है अब ये बना कैसे, ये बना कैसे, ये बना है दो पॉइंट से। एक पॉइंट मेरा है 0.r, ये हो गया मेरा रिस्क फ्री एसेट का, और एक पॉइंट मेरा है मार्केट पोर्टफोलियो का, विच इज सिग्मा एम ई एम। अब टू पॉइंट फॉर्म से कैसे बनाते याद है, वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, ऐसे तो बनता है ना, नहीं नहीं इतना भी कच्चा नहीं है हम, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इज वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। इसका रीजन क्या है कि ये तुम्हारा हो गया स्लोप, है ना, स्लोप क्या होता है टू पॉइंट फॉर्म में, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये टू पॉइंट फॉर्म में इसको डालो फिर y और x निकल जाएगा। और यहां पर y और x क्या होगा, y क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न और x क्या है सिग्मा ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, ई पी माइनस आर बाय सिग्मा पी माइनस जीरो इज ई एम माइनस आर बाय सिग्मा एम माइनस जीरो। इसको अगर हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। ऐसे मत लिखो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इंटू अमाउंट ऑफ रिस्क, इन दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं रिस्क प्रीमियम। ये जो होता है CML, ये खाली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए होता है। ठीक है ना, एक और चीज देखो, ये जो ग्राफ जो अपने बनाए थे, ये जो अपने जो ऐसे बनाए थे, मैंने ये वाला जो टच जो कर रहा है पॉइंट, तो यहां डालेंगे, अरे यार एक मिनट, यहां अगर अपने ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, एंड ये वाला जो नीचे अगर अपने ड्रॉ करेंगे तो ये बनाएगा वेरिएंस ऑफ द मार्केट, क्योंकि वही तो मार्केट पोर्टफोलियो है ना, जहां पर टेंजेंट है वही मार्केट पोर्टफोलियो है, ठीक है। सीएपीएम इज फॉर ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये वाला जो है कैपिटल मार्केट लाइन जो है ये खाली ऑप्टिम माने बेसिकली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए ही है। सीएपीएम एक फॉर्मूला है, वो किसी पे भी लग सकता है, सर।
हम लोग अभी जो हम लोग ने ऊपर ये लिखा था जीरो टू आर एंड सिग्मा एन कॉमा ई एम, सो उसमें जीरो टू आर इज फॉर द रिस्क फ्री एसेट एंड सिग्मा एम कॉमा ई एम इज फॉर मार्केट पोर्टफोलियो. ओके सर. तो ये वाला जब इधर टच करेगा तो ये बनेगा मेरा ई एम, और ये वाला जब इधर टच करेगा तो मेरा बनेगा सिग्मा एम. ये जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, दिस इज योर कैपिटल मार्केट लाइन. तो ये वाला खाली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए ही हो सकता है. एक और है, ठीक है, विच इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. सिक्योरिटी मार्केट लाइन ई आई इज इक्वल टू आर प्लस बीटा आई ई एम माइनस आर. ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को. और बीटा आई जो होता है दैट इज को वेरियंस आर आई आर एम बाय वेरियंस ऑफ मार्केट. नाउ सिक्योरिटी मार्केट लाइन टू ऑल पोर्टफोलियोज and securities also. Security market line जो अपना बनता है वो कुछ ऐसा बनता है. मैंने इसमें बोलने का मतलब कि आप जितना रिस्क बढ़ाएंगे उतना रिटर्न बढ़ेगा. यहां पर आपका, यहां पर है बीटा और यहां पर है ईपी एक्सपेक्टेड रिटर्न. यहां पर है आपका रिस्क फ्री रेट, मतलब जितना बीटा को इंक्रीज करोगे उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा. हाँ कनिष बोलो. यहाँ पे आई का मतलब अपन केवल सिंगल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. हाँ पी लगा दोगे तो पोर्टफोलियो बन जाएगा. हाँ हर्ष बोल. सर एक ऊपर क्वेश्चन है ऊपर वाले इक्वेशन में, मतलब जो हमारा या दिस वन, तो जब हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ पी माइनस रिस्क रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी इक्वल्स टू मार्केट, तो हम इससे ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि हम जो अपने पोर्टफोलियो में सारे एसेट्स ले रहे हैं उसकी वेरिएबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज मार्केट के इक्वेटिंग है, इसीलिए हम उसको मार्केट की एक्सपीरियंस से इक्वेट कर रहे हैं. कहां पर बताना एक बार? ये जो EP माइनस R बाय वेरियंस है इक्वल्स टू ई एम माइनस आर फॉर्म है ना, टू पॉइंट फॉर्म है. मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें रिस्क फ्री एसेट है और उसमें रिस्क की एसेट्स भी है. तो ये टू पॉइंट फॉर्म से एक स्ट्रेट लाइन बनाए हैं. मतलब तुम अब क्या बोल रहे हो इसमें कि क्या इस, मेरा इंटरप्रिटेशन, मतलब मेरे को अंडरस्टैंडिंग ये आ रही थी कि इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, मार्केट में जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो का है वो इक्वेट करके हम इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं. नहीं 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 नहीं, ये टू पॉइंट फॉर्म मतलब क्या, मार्केट पोर्टफोलियो और जो रिस्क फ्री एसेट है दोनों से मैं इक्वेशन बना रहा हूं. अच्छा ठीक है ठीक. एक क्वेश्चन करेंगे अब. सिग्मा ए हम लोग को दे दिया है 4%, सिग्मा एम हम लोग को दे दिया है 5%, रो ए एम हम लोग को दे दिया है 0.75,
आरएफ हम लोग को दे दिया है 5%, ईएम हम लोग को दे दिया है 10%, हम लोग को बीटा ए निकालना है। सो बीटा ए के लिए हम लोग को चाहिए कोवेरियंस आरए आरएम बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, सो विच इज रो एम इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा एम बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। सो दिस इज 0.75 इंटू 0.04 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, फिर ई ए निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इज आर प्लस बीटा ए ई एम माइनस आर। सॉल्व करो इसको। कितना आ रहा है इसका आंसर? 8% आ रहा है। तीनों चैप्टर में थोड़ा बहुत थियरी है, वो तुम लोग सब सेल्फ रीड करोगे, जैसे कि एजम्पशंस वगैरह हो गया और उसके बाद लिमिटेशंस वगैरह हो गया, तो ये सब सब तुम लोग को सेल्फ रीड करना है, ठीक है? हाँ बोलो सर। इसमें आर के लेना है इक्वेशन में, आर की वैल्यू क्या होगी? रिस्क फ्री रेट 5, राइट सर? जैसे सीएपीएम को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे जनरली वन पीरियड होराइजन के लिए होता है, बट ये लोग बोलते हैं हम लोग मल्टी पीरियड मॉडल्स बना सकते हैं, जहां पर दो पीरियड तीन पीरियड के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं, मॉडल में हम लोग टैक्सेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, विच इज जीरो बीटा मॉडल, ठीक है सर? एक्सपेक्टेड ऑफ मार्केट से वेरियंस सीधा उसका स्क्वायर, क्या वैसा कोई रिलेशन नहीं है, वो इसमें आ रहा है। एक है तुम्हारा जीरो बीटा मॉडल, तो जीरो बीटा मॉडल में बेसिकली क्या है, मतलब तुम्हारा अगर मान लो रिस्क फ्री एसेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी एसेट अवेलेबल नहीं है मतलब मार्केट में जो रिस्क फ्री हो, जो टोटली रिस्क फ्री हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसका बीटा जीरो होगा, ठीक है? अगर पोर्टफोलियो का बीटा जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो जो रिजल्टेंट जो पोर्टफोलियो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिस्क फ्री, मतलब दैट विल एक्ट एज ए रिस्क फ्री एसेट। नोट लिखो एक ठो, इन द एब्सेंस ऑफ अ रिस्क फ्री एसेट, रिप्लेस बाय जीरो बीटा पोर्टफोलियो, दैट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स विथ बीटा इक्वल टू जीरो।
ई आई जो है दैट इज ई जेड प्लस ई एम माइनस ई जेड बीटा आई, ठीक है. सो बेसिकली ई जेड इज वॉट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ जीरो बीटा पोर्टफोलियो. ऐसा क्यों हो रहा है पता है, बिकॉज हम लोग इंडियन ऐसा सोचेंगे कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो रिस्क फ्री है, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सोचोगे तो कोई भी बड़े बड़े गवर्नमेंट्स भी डिफॉल्ट करते हैं, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट डिफॉल्ट किया, पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने वाला है, तो बहुत सारा गवर्नमेंट्स का भी जो बॉन्ड का जो रेटिंग होता है कंपेयर टू यूएस यूके, तो वो लोग का रेटिंग बहुत कम होता है. सो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सोचोगे तो कोई भी एसेट ऐसे रिस्क फ्री नहीं है. सो ये इसको बहुत जन ने अडॉप्ट किया है, जहां पर हम लोग का बीटा को जीरो बनाया जा रहा है, ठीक है. चलो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एक तो दो क्वेश्चन जो मेरे को कल कराना था, चलो हम लोग का टॉपिक पूरा खत्म है. थ्योरी तुम लोग रीड करोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं समझा दूंगा. जितना भी सारा मॉडल्स है उसका एजम्पशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसका लिमिटेशंस एंड आपस में कंपैरिजन, ठीक है. एजम्पशंस सारा मॉडल्स का इंपॉर्टेंट है. सीएम2 में जितना भी सारा मॉडल्स है सबका एजम्पशंस, उसका लिमिटेशंस, ठीक है. ये सब अच्छे से रीड कर लेना. चलो आप क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन लिखो. कंसिडर टू इंडिपेंडेंट एसेट्स ए एंड बी. एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग को दे दिया है 6% का. सॉरी एक सेकेंड. ईए हम लोग को दे दिया है 6% का. ईबी हम लोग को दे दिया है 11% का. सिग्मा ए हम लोग को दे दिया है 5%. सिग्मा बी हम लोग को दे दिया है 10% का, ठीक है. क्वेश्चन देखो. इफ ओनली ए एंड बी आर अवेलेबल डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द एफिशिएंट फ्रंटियर इन E माइनस सिग्मा स्पेस. बोलो कैसे करेंगे इसको. बोलो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न से चालू करते हैं. तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो मेरा आएगा एक्स ए ई ए प्लस एक्स बी ई बी. दिस इज 6xa प्लस 11 वन माइनस एक्स ए, करेक्ट. उसके बाद में यहां से एक्स ए निकालो,
सो एक्स से क्या आएगा, ई के टर्म्स में निकालो, एक्स से को ई के टर्म्स में निकालो, चेक करो देखो ये क्या आ रहा है, 11 माइनस e/5 आ रहा है क्या, चेक करो तो, अगर ये आ रहा है तो फिर एक्स बी के लिए भी चेक करो वो क्या आ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखवाया है, टू इंडिपेंडेंट एसेट्स, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो मेरा जो वेरिएंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वी ए प्लस एक्स बी स्क्वायर वी बी। अब इसमें डाल देना एक्स बी क्या आ रहा है हम लोग का, ई माइनस सिक्स बाय फाइव। अब डाल दीजिए इसमें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हम लोग का, इक्वेशन हम लोग का बनेगा 11 माइनस e/5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस e माइनस 6/5 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग को रूट लेना है, मैंने सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ रहा है चेक करो, याद आ रहा है, उसके बाद हम लोग जस्ट मैंने लास्ट क्लास ही कराया था, फिर ये फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद में, चेक करके बताओ क्या निकालेंगे, डीवीडी निकालेंगे, हाँ उसको जीरो पुट करेंगे एंड दैट पार्ट ऑफ दी कर्व जो इसके ऊपर में आएगा, ठीक है ना। मैंने अपॉर्चुनिटी सेट का वो पार्ट जो इसके ऊपर वाला है, ठीक है, मैंने ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट चाहिए। चलो इसको चालू करो, अरे तो उसको वो करो ना, वैल्यूज डालो ए बी का, क्या अर्थ में था, नींद में हो क्या,
चलो, सो बेसिकली यहां पर हम लोग का वी जो आएगा फाइनली वो हम लोग का आ रहा है 5e² -70e +265, राइट। एंड हम लोग का जो सिग्मा आएगा दैट विल बी रूट अंडर 5e² -70e +265। अब हम लोग डीवीडी निकाल के जीरो पुट करेंगे विच इज 10e -70 0। सो ई मेरा क्या आ रहा है बताओ, 7% आ रहा है। सो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर, सो द एफिशिएंट फ्रंटियर इज द पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी सेट वेयर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7%। तो सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर बोला पूरा चीज 5e² -70e +265, बट ये वैलिड रहेगा फॉर ई ग्रेटर देन इक्वल टू 7%। इसके बाद इस सम का जो नेक्स्ट पार्ट है लिखना, अ थर्ड एसेट, अ थर्ड एसेट एसेट सी कॉमा इज रिस्क फ्री एंड हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 4% पर एनम। लैग्रेंजियन फंक्शन इज टू बी यूज्ड टू कैलक्यूलेट द इक्वेशन ऑफ द न्यू एफिशिएंट फ्रंटियर। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन 5 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो 5 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगा ना, क्योंकि 2 रिस्की का हो गया, एक रिस्क फ्री हो गया, एक लैम्डा का हो गया और एक म्यू का हो गया। ट्राई करो उसको। ट्राई करो उसको। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, डब्लू। सो डब्लू हम लोग का क्या आ जाएगा, 5² x² a प्लस 10² x² b माइनस लैम्डा 6xa प्लस 11xb प्लस 4xe माइनस ई माइनस म्यू xa प्लस xb प्लस xc माइनस 1। अब क्या क्या रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बताना। हाँ कनीश बेटा बोलो। 4² xc भी तो आना चाहिए था ना, हाँ 4² xc। अच्छा ठीक है ठीक है, गलत बोल रहे हो, रिस्क फ्री एसेट है वो। डेल डब्लू डेल एक्स से निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद में डेल डब्लू डेल एक्स भी निकालो, फिर उसके बाद में
डेल डब्ल्यू डेल एक्स सी निकालो, फिर उसके बाद में डेल डब्ल्यू डेल म्यू निकालो, ठीक है, और फिर उसके बाद में डेल डब्ल्यू डेल लैम्डा निकालो, तो क्या क्या आ जाएगा? एक्स ए वाला क्या आ रहा है सर? एक बार स्क्रोल अप करके इक्वेशन निकाल लो। हाँ तो क्या आएगा? 50xa माइनस 6 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, 200xb माइनस 11 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो, यहां पर आएगा e माइनस 6 एक्स ए माइनस 11xb माइनस 4xc इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी इज इक्वल टू जीरो। खाली बोला है राइट डाउन, सॉल्व करने नहीं बोला है। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यूज योर साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू डिराइव द relationship between xa and xb on the new efficient frontier. अब relationship बनाना है between xa and xb, तो यूज करो उसको। और कैसे बना सकते हैं? मेरा म्यू क्या आ जाएगा पहले ये बताओ, माइनस 4 लैम्डा है ना, अपना म्यू का जो वैल्यू है उसको तुम इक्वेशन 1 और 2 में डाल दो, सो 50xa माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो xa क्या आ जाएगा अपना 2 लैम्डा बाय 50 विच इज 8 लैम्डा बाय 200। सिमिलरली अगर इक्वेशन 2 में देखेंगे सो 200xb माइनस 11 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, सो अपना यहां से xb क्या आ जाएगा 7 लैम्डा बाय 200। तो अपने क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 7/8xa है ना। बोलो ऐसा बोल सकते हैं 7/8xa। सिमिलरली अब जैसे अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, लास्ट पार्ट करो, hence derive the equation of the new efficient frontier in e minus sigma space,
तो अब देखो जो मेरा पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट्स होगा, जो मेरा रिस्की एसेट्स का पोर्टफोलियो होगा उसमें मेरा एक्सी क्या होगा, जीरो। एक्सी इज इक्वल टू जीरो इन व्हाट, रिस्की एसेट्स पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मेरा एक्से क्या हो जाएगा, मेरा एक्से होगा 8/15 और मेरा एक्सबी क्या हो जाएगा, 7/15। समझ है ना, 8xb इज 7xa, माने 8 पार्ट्स xb का, 7 पार्ट्स xa का, ठीक है। ठीक है, तो एक्स बी मेरा है 7/8 एक्स ए, ठीक है। ये कैसे है बताओ, तो 8/15, 7/15, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, एक्स ए प्लस 7/8 एक्स ए इज 1। सो 8 और 7 कितना होता है, 15 एक्स ए इज 8, एक्स ए इज 8/15। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे आएगा, तो 8/15 इंटू 6 प्लस 7/15 इंटू 11, तो ये मेरा आ जाएगा 8.33%, ठीक है। तो अब सिग्मा निकालो, सो दिस इज रूट अंडर 8/15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7/15 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो ये तुम लोग का आ जाएगा 5.375%। अब 2 पॉइंट फॉर्म में डालना है मेरे को, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, सिग्मा 0 इज इक्वल टू 4 और एक में है सिग्मा इज 5.375, इज 8.33, तो बन जाएगा। अब इसको बनाओ, सो ई इज इक्वल टू 4 प्लस 8.333 माइनस 4/5.375 माइनस 0 इंटू सिग्मा, विच इज 4 प्लस 0.806 सिग्मा। वाई इंटरसेप्ट है ना, जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई वाई एक्सिस को कहां टच करेगा, जहां पर सिग्मा 0 है, दैट इज अ रिस्क फ्री एसेट। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहां टच करेगा, हाँ बोलो। सर तो जैसे अपन यहाँ पे जब ईबी निकाल रहे थे, तो इसके अंदर अपन ये रिस्क फ्री जो ऐसे थे उसका एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों नहीं लिया? क्या अपन ने जब ई कैलकुलेट करा भी यहाँ पे 8/15 × 6, तो वहां पे अपन रिस्क फ्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्यों नहीं लिया? रिस्की एसेट्स का पहले पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, रिस्की एसेट्स का पहले मीन वेरिएंस मिलेगा और रिस्क फ्री का मीन वेरिएंस मिलेगा, तो 2.5 से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा आई बीटा आई वेरिएंस ऑफ एरर, ठीक है, तीन सिक्योरिटी है, 1, 2, 3। सो इसका अल्फा 0 है, इसका 2.0 है, इसका -2.2 है, इसका 1.1 है, 0.6 है, 2.0 है, ये 2.2 है, ये 1.3 है, ये 1.2 है। EM हम लोग को दे दिया है 10 एंड सिग्मा M हम लोग को दे दिया है 5। सेम का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल इंडेक्स मॉडल का क्वेश्चन है। हम लोग को सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिग्मा फॉर ईच सिक्योरिटी। चालू करो, ये पहला क्वेश्चन है। एक काम करो, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लिख ही लो, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लिख लो। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी लिख लो। कंसिडर अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी 1, 2 एंड 3 इन इक्वल प्रपोर्शन, ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, एक और चीज कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, स्पेसिफिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अलग क्वेश्चन पूरा करके दिखाओ। चालू करो, इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, वैल्यू देखना है। चालू करिए, इसको बनाइए, इसको कोई भी हिम्मत नहीं आ रहेगा, बनाओ, अभी 1 घंटा और करेंगे क्लास।
कितना आ रहा है इसका आंसर? तो सबसे पहले हम लोग को एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने बोला है इसमें, तो ईआई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फा आई प्लस बीटा आई ईएम। तो ईवन क्या आ रहा है पहले ये बताओ, 11%। ई टू आएगा अपना 8%, जिसका भी नहीं आएगा प्लीज हैंड रेस करेगा। ई थ्री आएगा अपना 17.8%। फिर उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला बनाया वी आई के लिए, सो वी आई जो अपना है दैट इज बीटा आई स्क्वायर वी एम प्लस वी ई आई। तो इसके लिए सबसे पहले तुम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा वन जो होगा, सो दैट इज बीटा वन का स्क्वायर वी एम प्लस वी ई वन टू द पावर हाफ। तो दिस इज 1.1 का स्क्वायर इंटू 25 प्लस 2.2 टू द पावर हाफ। एक ये आ गया मेरा, कितना आएगा 5.70। आया एला सबका? यस सर। ठीक है, यस सर। सिग्मा टू अपना आएगा 3.21, सिग्मा थ्री अपना आएगा 10.06। फिर को वेरियंसेस निकालने बोल रहे हैं, सो सी आई जे इज बीटा आई बीटा जे वी एम। तो सी वन टू क्या निकाला तुमने, 16.5, वेरी गुड। सी वन थ्री अपने निकाले 55 एंड सी टू थ्री अपने निकाले हैं 30। फिर सर, अपने को बोला, बोलो बेटा। सर ये जो अपना कोवेरियंस आ रहा है ये भी परसेंट में लिखते हैं क्या? नहीं, कोवेरियंस परसेंट में नहीं होगा। ठीक है, फिर अपना आएगा वेरिएंस ऑफ, हाँ कोवेरिएंस भी तो परसेंट में ही होगा, तो सब तो परसेंट में ही चल रहा है तो वो भी परसेंट में ही होगा। नहीं, कोवेरिएंस परसेंट में होगा ना, क्योंकि वेरिएंस एक सेकेंड, कोवेरिएंस से जब कोई चीज बाहर निकलता है तो वो स्क्वायर होके बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, कोवेरिएंस में वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर रहे तो वो तो अगर दो बार हो तो मैं बाहर मल्टीप्लाई उतना आता ना स्क्वायर। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। कोवेरिएंस बाय, हाँ कोवेरिएंस एक स्क्वायर मेजर होगा, क्योंकि जब हम लोग उसको सिग्मा सिग्मा से डिवाइड करते तब वो प्योर नंबर बनता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हाँ तो ये स्क्वायर मेजर होगा, तो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है ना एला? कोवेरियंस बाय सिग्मा इंटू सिग्मा, तो दो बार जब डिवाइड हो रहा है तब जाके वो एक प्योर नंबर आ रहा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो ये स्क्वायर मेजर होगा। वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो में आर पी जो है विच इज 1/3 आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, सो वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो विल बी 1/9 वेरियंस ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो सारे का कोवेरियंसेस भी आएगा विच इज 1/9। क्या क्या आ रहा है तीनों का वेरिएंस, सो 32.45 प्लस 10.3 प्लस 101.2 प्लस 2 इंटू कोवेरियंस 1/2 प्लस 2 इंटू कोवेरियंस 1/3 प्लस 2 इंटू कोवेरियंस 2/3, सो प्लस 2 इंटू 16.5 प्लस 2 इंटू
प्लस टू इंटू 30, दिस इज 38.55, ठीक है। हाँ बोलो मारूफ एंड हर्ष। सर एक्चुअली जब मैं थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का कर रहा था आई स्टक बिकॉज मैंने इंटरप्रेट इस वे में करा कि अगर हम प्रोपोर्शन वन थर्ड कर रहे हैं विच मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि हमें बीटा वन थर्ड कर देना है विच इज 0.33 बिकॉज बीटा सेंसिटिविटी होता है कि हम कितना पोर्टफोलियो में सेंसिटिविटी रख रहे हैं सो आई इंटरप्रेट इन दैट मैनर। एक सेकेंड हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तुम पोर्टफोलियो का रिटर्न का इक्वेशन बनाओगे और जो भी हम लोग बनाते हैं दैट इज द वेरियंस निकालो चाहे तुम मीन निकालो तुम किसका निकाल रहे हो रिटर्न का निकाल रहे हो तो आगे से कभी भी कंफ्यूजन मत करना हमेशा हम लोग जो मीन वेरिएंस निकालते हैं वो रिटर्न का निकालते हैं। तो पहले तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एक इक्वेशन बनाना कि भाई पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला सबका वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड होगा फिर उसके बाद अंदर का चीज हम लोग करेंगे ठीक है। सर इन दिस क्वेश्चन बीटा पी अगर निकालेंगे तो उससे भी करके सेम आंसर आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बीटा पी निकालो जो आपने नहीं बीटा पी से तो तुम्हारा खाली सिस्टमैटिक पार्ट आएगा टोटल वेरिएंस तो नहीं आएगा वही तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहले टोटल वेरिएंस निकाला अभी एक बार देखो फिर हम लोग करेंगे बीटा पी विच इज 1/3 बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 विच इज 1/3 1.1 प्लस 0.6 प्लस 2 तो दिस इज 3.7/3। अब उसके बाद में सिस्टमैटिक रिस्क जो अपना आ रहा है दैट इज बीटा पी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ मार्केट विच इज 3.7/3 का स्क्वायर इंटू 25 तो ये अपना आ गया 38.028। अब स्पेसिफिक रिस्क जो होगा वो माइनस करके हम लोग को निकालना है। सर जो हमने कॉपी में फॉर्मूला नहीं लिखवाया था VP इज इक्वल टू समीशन I1 से N XI स्क्वायर VEI वाला उससे भी यही 38.55 आ रहा था आंसर तो उस यहाँ पर आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग फुल करो बिकॉज मार्क्स देख लेना ठीक है ना मार्क्स से बस देख लेना अगर एक दो नंबर का हो तो शॉर्टकट से कर देना नहीं तो जनरली पूरा फुल फॉर्म में करके दिखाना इज बेटर। यहाँ पर मार्क्स ज्यादा था मैंने बताया नहीं मार्क्स बट मार्क्स ज्यादा होने से इसी पूरा फुल प्रूफ मेथड से करना इज बेटर। ओके सर अब बाकी तो आप जब रिविजन नोट सॉल्व करोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.522। सर एक बार स्क्रोल अप कर दीजिए थोड़ा बीपी वाले पार्ट बस सर एक और मेथड से कर सकते हैं वेरिएंस ऑफ एरर टर्म ऑफ द पोर्टफोलियो दैट इज तीनों का एरर टर्म भी तो दिया हुआ है ना वेरिएंस सो उस मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते हैं वो शॉर्टकट हो गया ये पूरा फुल प्रूफ हो गया इसको भी कॉपी कर लो एक बार जैसे VEP जो है उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है विच इज वेरियंस ऑफ 1/3 एरर 1 प्लस 1/3 एरर 2 प्लस 1/3 एरर 3 विच इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 1.3 प्लस 1.2। अरे ये तो कोई इक्वेशन थोड़ी है बोला है तीनों का इक्वल वेट्स है। अच्छा ओके सर गॉट इट। अपने जो बीपी स्क्वायरिंग टू बीएम निकाला है वो वेरिएंस ऑफ पी हो गया ना यहाँ पे।
फिर से बोलो सर। बीटा स्क्वायर पोर्टफोलियो इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट जो निकाला है वो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो हो गया ना यहाँ पे। कौन सा वाला पार्ट? 38.028 जो है ये सिस्टमैटिक रिस्क हुआ। सिस्टमैटिक रिस्क ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब तुम लोग आराम से पोर्टफोलियो थ्योरी वाला जो बुकलेट है वो बना सकते हो, बहुत ही प्लेन टाइप का बुकलेट है, सारा सम्स एकदम आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे ब्राउन इन मोशन। ठीक है, सेम टाइम पे क्लास होगा और थोड़ा ज्यादा ज्यादा देरी पढ़ेंगे। तो ब्राउन इन मोशन का जो बुकलेट है दैट इज बुकलेट 4, बुकलेट 2 आपको नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद दिवाली वाला वीक तो छुट्टी रहेगा, फिर हम उसका शेड्यूल दे देंगे आगे कैसे क्या कराएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसके नीचे वाला पेज और दिखा देना। हाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।